नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप जांगड़ा लाइफ चेंजिंग हिंदी वीडियो के। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके पीसी को फास्टली वर्क के लिए तैयार कैसे करेंगे। आपका पीसी हैंग हो रहा है या कहीं उलझा हुआ है, अटक जाता है, काम सही से नहीं करता है, प्रॉब्लम आती है काम करते टाइम, तो आज हम उन सेल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ी सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे आपका पीसी फास्टली ग्रो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप मैं बात करूंगा, विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको रन का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इसमें आप लिखेंगे टी एम पी लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके पास ये विंडो शो होगी, जिसमें आपके यहाँ देखिए ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे आपको टेम्पररी फाइल्स मिलेंगे। उन फाइलों को कंट्रोल ए, कंट्रोल डी और एंटर, उसको काट देना है। यहाँ से उनको खत्म कर देना है। जैसे मेरे यहाँ नहीं मिली है, मैं बार बार यहाँ से करता रहता हूँ, मेरा पीसी अच्छा चलता है, साफ सुथरा, बढ़िया, अच्छे से वर्क करता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर। अभी मैं सेकंड बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो सेकंड स्टेप सुनिए। सेकंड, आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिर से आपको रन दिखाई देगा। रन में आप लिखेंगे, आप परसेंट मार्क का यूज करेंगे और टैंप लिखेंगे, लास्ट में फिर परसेंट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे ही टैंप में भी, खाली टैंप जो आपने पिछले स्टेप में प्रेस किया था, उसमें भी ऐसे ही टेम्परेरी एरर फाइल्स आपको जरूर मिलेंगी दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए और एंटर कीजिए, ताकि हम इसको सारे के सारे को काट सकें। कुछ फाइलें यहाँ पे कट नहीं पा रहे, क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो तीन जो प्रोग्राम हैं, जैसे ये है प्रोग्राम स्टार्ट है दोस्तों, ये उन्हीं की फाइलें हैं जो यहाँ से कट नहीं पा रही हैं। तो आपके पीसी में अगर आप कोई भी प्रोग्राम ना खोल के यहाँ से करोगे तो सारी की सारी कट जाएंगी और आपका पीसी अच्छे से काम करेगा। तो सेकंड स्टेप आपका हो गया। अभी थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप, विंडो आर प्रेस कीजिए। विंडो आर प्रेस करेंगे, रन का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, आप लिखोगे पी आर ई एफ ई टी सी एच प्रीफेक्स लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो आपको दिखेगी, प्रीफेक्स में आप चले जाओगे। यहाँ पे आपको सम एरर्स फाइल्स मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर को काम करने में रुकावट पैदा करती हैं, जो आपके कंप्यूटर को सही से काम नहीं करने देती हैं। उन सारी फाइलों को डिलीट कीजिए और आपका पीसी बिल्कुल फास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा। और फोर्थ स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसाइकल बिन को जरूर साफ रखिए, क्योंकि रिसाइकल बिन बहुत सारे एरर पैदा करते हैं। यहाँ पे हम जैसे कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, यहाँ से हमारे सी में जगह कम हो जाती है, उसी कारण हम प्रोग्रामिंग जब भी ओपन करते हैं, हमारा कोई भी प्रोग्राम हम ओपन करते ही हमारा विंडो सी पे ग्रो करता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी कम हो जाती है सी में, तो उसी के कारण हमारा जो पीसी है कई बार हैंग हो जाता है और हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से काम नहीं करता है। जो नॉट रिस्पोंडिंग का एरर आता है, यहीं से आता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो प्लीज आपको जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपके अपने चैनल संदीप जांगड़ा लाइफ चेंजिंग हिंदी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर भी क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।